आपको लगता है कि अगर आप ज्यादा लिख के आओगे तो एग्जामिनर विल गोइंग टू बी इम्प्रेस बाई यू, ट्रस्ट मी इट डज नॉट गोइंग टू बी हैपन, ऐसा कुछ नहीं होगा। हेलो, हाय एवरीवन, होप ऑल यू आर डूइंग सो वेल एंड योर प्रिपरेशन इज आल्सो गोइंग सो गुड। ओके, सो मायसेल्फ डॉक्टर शिवानी शर्मा, इन दिस सेशन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट हाउ यू आर गोइंग टू प्रिपेयर फॉर जूलॉजी ऑप्शनल। ओके, सो दिस वीडियो इज बेनिफिशियल फॉर दोज स्टूडेंट्स हु आर गोइंग टू बी राइट ऑप्शनल पेपर फॉर नेक्स्ट ईयर। ओके, इफ़ यू आर अ बिगनर डू नॉट वरी अबाउट इट, आई एम हेयर टू सॉल्व योर क्वेरीज। ओके, सो फर्स्ट थिंग, वॉट आर दी स्टूडेंट्स who take this subject as an optional, so always keep this thing in your mind. First, you should be belongs to the medical stream or you should be belongs to the any of your biomedical science. Okay, and also if you ever had a preparation of medical examination, for example NEET examination, so you are aware of this subject. Okay, so aap log bhi subject ko opt kar sakte ho. So what are the key points that we are going to be discussed? The first is introduction to subject. Okay, so first of all, geology is a very static subject. Your syllabus is very defined, okay, and the directly question asked from this subject. Okay, like for example, if examiner gave you a question, explain the life cycle of echinodermata, so you did not write any of the extra answer, you have to give answer to the tip of the point. Okay, next, who can opt this subject? As I told you, who have a like class 11th and 12th from the science stream, okay, who had done BSc and MSc in geology or in life sciences, if you had a like a graduation from botany and from the forestry life science or agriculture, if you belongs to the B pharma, if you did your BDS or MBBS, so you can go with this subject without any secondary thought. And my suggestion for all of you, do not going to influence by others. For example, I saw so many students who are belongs to the science stream, still they take they took humanity subjects. I don't know, understand क्यों लिया आपने, आप लोगों के पास सेम जितना आपको ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट्स में टाइम देना है उतना ही आपको अपने इस साइंस स्ट्रीम के सब्जेक्ट्स में टाइम देना है. ओके, हमारे सब्जेक्ट के साथ सी कई बार लोगों को फोबिया हो जाता है, ओ माय गॉड, दिस इज अ टू पेज ऑफ सिलेबस, द सिलेबस इज वेरी लेंथी ऑफ जूलॉजी, बट ट्रस्ट मी इट इज नॉट लाइक दैट. ओके, यूपीएससी ने क्या करा हुआ है, उसने आपके टॉपिक्स दिए हुए हैं और उन टॉपिक्स में एक्सप्लेन करा हुआ है कि आपको ये टॉपिक प्रिपेयर करने हैं. ओके, आप अगर कोई ऑप्शनल का कोई और सब्जेक्ट लोगे ह्यूमैनिटीज का, उसमें उन्होंने पर्टिकुलर टॉपिक्स ऐसे कन्फ्रंट करके नहीं दिया हुआ है, उसे फ्रैक्शनाइज करके नहीं दिया हुआ है, सीधे टॉपिक्स दे दिया है. बट जब आपका कोई टीचर आपको बताएगा तो वो उसके सब टॉपिक्स भी आपको बताएगा, बट आपके ऑलरेडी सब्जेक्ट्स में ऑलरेडी यूपीएससी ने सब टॉपिक्स भी बना के दिए हुए हैं. तो जितना आप किसी और दूसरे टॉपिक पे इन्वेस्ट करोगे, इतना ही आपको खुद की ऑप्शनल सब्जेक्ट जूलॉजी पे करना है. सो डोंट इन्फ्लुएंस बाय एनीवन. इफ़ यू हैव अ लाइक strong confidence that you are going to do this subject, so take it without any hesitation and don't influence by any XYZ. Okay, trust on yourself. Trust is a key which has helped to achieve anything. Okay, so this is not like a that key tum ise leke apna optional clear nahi kar sakte. Am I clear to you? The next is, it is a scoring potential. As I told you, syllabus ekdam define hai, question ekdam straight aate hai. Yes, environment ecology mein क्वेश्चंस अकॉर्डिंग टू दी फिनोमिनन अप एंड डाउन होते हैं, बट यस, ऐसा नहीं है कि कुछ बिना पढ़ा हुआ ही आ जाएगा. एंड यू हैव अ प्लस पॉइंट दैट कि अगर आप एनवायरमेंट इकोलॉजी से कोई क्वेश्चन आया, इफ यू ऐड समथिंग एक्स्ट्रा, दैट विल बी हेल्पफुल फॉर यू, क्योंकि एक ग्रेट इंप्रेशन बनाता है एग्जामिनर के माइंड सेट पे. ओके, एग्जामिनर को लगता है येस यू आर अवेयर अबाउट दी थिंग्स. द नेक्स्ट इज सिलेबस. एज आई टोल्ड यू, सिलेबस आपका डिफाइन है, आपका पेपर फर्स्ट में आपको नॉन कॉर्डेट्स, कॉर्डेट्स,
आपका इथोलॉजी, इकोलॉजी, येस दीज आर द सब्जेक्ट्स टॉपिक्स यू हैव. पेपर टू में यू हैव ह्यूमन फिजियोलॉजी, डेवलपमेंटल बायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, येस और नो. नेक्स्ट, हाउ टू स्कोर हाई. फर्स्ट ऑफ ऑल, मेक योर नोट्स ओरिएंटेड. अपनी बुक्स को एकदम टिप टू द पॉइंट रखना है. आई सजेस्ट यू गो विद द इंडियन ऑथर्स. इंडियन ऑथर्स को सजेस्ट करो, बिकॉज सी इफ यू हैव नॉट अ एक्सेस ऑफ अ वेरी गुड लाइब्रेरी, सो फॉर फाइंडिंग अ फॉरेन ऑथर बुक इट इज़ अ क्वाइट डिफिकल्ट टास्क टू. ओके, अगर आपको फॉरेन ऑथर की बुक मिल रही है, सो इट इज़ गोइंग वेरी लिटिल बिट एक्सपेंसिव. ओके, सो आप इंडियन ऑथर्स को पढ़ो, दैट आई एम गोइंग टू सजेस्ट यू. और नोट्स आप अपने एकदम पॉइंट्स में बनाओगे. फॉर एग्जाम्पल, अगर ह्यूमन फिजियो के नोट्स बना रहे हो तो इसके लिए एक सेपरेट नोटबुक होगा, ठीक है. सो डैट जब आप रिविजन के टाइम पे बैठो तो आप ऐसे नहीं होना चाहिए, सो फ्रॉम वेयर यू आर गोइंग टू बी गो. ओके, सो जस्ट मेक योर नोट्स ऑथेंटिक, जस्ट कलेक्ट योर मटीरियल्स. ओके, जो भी आपको अपने इंस्टीट्यूशन से मिलता है. ओके, सो आप उन सबको बना के रखो. फॉर एग्जाम्पल, इन माई क्लास रूम आई ऑल्सो गोइंग टू प्रोवाइड की नोट्स, शॉर्ट नोट्स, लॉन्ग नोट्स, सो दैट ऑल द थिंग्स कीप इन योर mind at the end of the exam. Revision is a key to memorize all the things. This is not any magic ki like humne nahi kara last mein kar lenge. No, if you decide your optional from the very first day, you have to give your 100% dedication in this subject. Clear? And for day first hi क्लियर योर ऑल डाउट्स, अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करके रखो, अपने बेसिक्स क्लियर करके रखो. जब मैं क्लास में पढ़ाती हूँ, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर नॉट अवेयर अबाउट द बेसिक्स. सो यू नो दैट इफ यू आर नॉट नोइंग द बेसिक्स, हाउ यू विल गोइंग टू बी लाइक रीड अबाउट द पर्टिकुलर टॉपिक्स. क्लियर? नेक्स्ट, रीडिंग्स शुड बी बाय योर नोट्स और शुड बी बाय योर इंडियन ऑथर बुक्स. ओके, द नेक्स्ट, इंट्रोडक्शन टू दिस सब्जेक्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल, दिस सब्जेक्ट इज ईजी टू अंडरस्टैंड. अगर अपने क्लास ट्वेल्थ में, उसके बाद अपने मेडिकल के लिए ड्रॉप आउट भी किया था, तो आप तब भी ये सब्जेक्ट एज अ ऑप्शनल लो विदाउट एनी हेजिटेशन. ओके, वाई आई एम सेइंग सो, फॉर एग्जाम्पल आपका पेपर टू है. इन दिस पेपर टू यू हैव अ ह्यूमन फिजियोलॉजी यूनिट. ओके, जब आपने ड्रॉप आउट किया होगा तो उस टाइम पे आपको ह्यूमन फिजियो का पर्टिकुलर मेजर पार्ट पढ़ना पड़ता है, यू नीड एग्जामिनेशन. सो वहाँ से आपकी बेसिक स्ट्रॉन्ग्स है, और आप जब ग्रेजुएशन में करते हो तो और स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं. क्लियर? एंड ऑलवेज हमेशा ये बात याद रखना है, वेन एवर यू राइट एनी आंसर. ओके, सो आपको ग्रेजुएशन लेवल का आंसर लिखना है. बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो दोज हु डू पोस्ट ग्रेजुएशन इन जूलॉजी और पोस्ट ग्रेजुएशन इन एनी एक्स वाई जेड सब्जेक्ट, तो वो मुझे पूछते हैं कि मैम हम रिसर्च पेपर को भी गो थ्रू करें, क्यों करना है आपको? एग्जामिनर, आप एग्जामिनर जब क्वेश्चन पेपर सेट करता है, सो उसकी एक एक्सपेक्टेशंस होती है. आपको सिर्फ उस एक्सपेक्टेशन को टच करना है और टिप द पॉइंट आंसर लिखना है. क्लियर? आपको लगता है कि अगर आप ज़्यादा लिख के आओगे तो एग्जामिनर विल गोइंग टू बी इम्प्रेस बाई यू. ट्रस्ट मी, इट डज नॉट गोइंग टू बी हैपन. ऐसा कुछ नहीं होगा. क्लियर? उल्टा आपके मार्क्स डिडक्ट होंगे. आपको ग्रेजुएशन लेवल के आंसर्स लिखकर आने हैं, बिकॉज वॉट एवर द एग्जामिनर इज गोइंग टू बी चेक योर कॉपी, ही और शी इज नॉट अ इथोलॉजिस्ट, इकोलॉजिस्ट, ओके, और नॉट इथोलॉजिस्ट और नॉट अ फिजोलॉजिस्ट. ओके, ही और शी इज योर जूलॉजिस्ट. ओके, नेक्स्ट, रीजनेबल लेंथ ऑफ सिलेबस वी हैव. एज आई टोल्ड यू, अवर सिलेबस इज वेल डिफाइंड और बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा हुआ है. एंड यू ऑल आर अवेयर अबाउट दिस सिलेबस, क्योंकि अगर आप ये वीडियो देख रहे हो एज अ ऑप्शनल, वाई टू चूज इट, ऑब्वियसली यू गो थ्रू विद दिस सिलेबस. ओके, नेक्स्ट, इट हेल्प इन जीएस एज वेल एज. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई टोल्ड यू बाय द एनवायरमेंटल इकोलॉजी. ओके, आपकी जो एनवायरमेंटल इकोलॉजी है उसमें जीएस से भी कितने क्वेश्चंस आपके आते हैं. इफ यू सी फॉर द लास्ट 4 to 5 ईयर पेपर्स ऑफ योर जीएस, मेनी ऑफ द क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड फ्रॉम द एनवायरमेंटल इकोलॉजी. एंड नाउ लाइक फॉर द 2-3 ईयर्स द क्वेश्चन ऑल्सो कम्स फ्रॉम द एनिमल बिहेवियर. ओके, ये साइंस टेक के भी कुछ पार्ट को टच करता है. फॉर एग्जाम्पल, बायोटेक्नोलॉजी, उसमें आपका ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज आ गया, येस द कॉम्युनिकेबल डिसीज एंड ऑल. सो इसका एक बहुत ही मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन आपकी जी एस के पेपर में भी है. क्लियर? नेक्स्ट,
why we have to choose this subject. I cleared all the doubts. क्यों करना चाहिए? आपका syllabus static है, define है. And secondary thing is that कि question आपकी जो भी, if you see the pattern of last 10 years of your question paper of geology, आप देखोगे question has been repeated. Question repeats होते हैं. But just for example, like मैं human physio के blood unit में जब class में lecture ले रही थी, तो एक question है, एक unit है blood का, उसमें हम पढ़ाते हैं hemoglobin के बारे में. तो उसमें questions 3-4 बार repeated है, explain the structure of hemoglobin and its function. Okay, next frame question क्या दिया हुआ है कि define the molecular structure of hemoglobin and how they are responsible for the transportation of carbon dioxide and oxygen. So in this type of question, what you are going to do, first you are write a definition about a hemoglobin, then you are going to explain the structure. Okay, then in the last you are going to explain about the Bohr's and Hardin's effect. Okay, and whenever you write any answer, just make sure your diagram is very neat and clean, because most of the time you are able to explain your answer with the help of diagram only. So just do your diagrams very well, and also the diagram clear, and also diagram do very labeled. Okay, so इसकी practice आप लोगों को करनी होगी, diagram की practice करनी होगी, labeling अच्छे से करना होगा, and make sure your writing is good. Good in the sense कि designer writing is not, it is easy to understood by any of examiner. Okay, आप अगर writing आपका clear नहीं है, तो अगर उसे समझ में नहीं आया, he is not going to invest their time. Okay, तो आपको अपना writing clear करना है, अपने diagrams अच्छे बनाने हैं, और also अपने घर पे बैठ के आप एक 3 hours का टाइम लोगे, उसमें क्वेश्चंस देखोगे और उनको प्रैक्टिस करना है कि विद इन द टाइम लिमिट्स हाउ यू आर एबल टू आंसर द क्वेश्चन. क्लियर? थैंक यू सो मच. आई होप दिस वीडियो इज वेरी हेल्पफुल फॉर यू. ओके, बाय, टेक केयर.